नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो भैया नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वो फिर से नई वीडियो पे। दोस्तों अभी मैं हूँ फिलहाल बनारस में और आपको मैं दिखाते आ रहा हूँ अभी तक बनारस के जितने भी प्रीमियम होटल है, बजट फ्रेंडली होटल है, सब दिखाते आ रहा हूँ मैं। उसी सेगमेंट में आज मैं आप सभी के सामने लेके आ गया हूँ बनारस का बहुत ही बेहतरीन एक होटल है जिसका नाम है होटल वृंदावन पैलेस, जहाँ से ऑलमोस्ट जितने भी बनारस के टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सभी यहाँ से पास पड़ता है। जैसे कि बात करें हम बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो गया या फिर हो गया BHU, सभी यहाँ से पास पड़ता है अल्टीमेटम। और सेकेंड थिंग और अच्छी बात है कि यहाँ से जो बनारस का जो रेलवे स्टेशन है जिसका पुराना नाम मरुवाटी रेलवे स्टेशन हुआ करता था, वो अभी बनारस के नाम से जानता है, वो यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर अवेलेबल है। और यहीं से अगर बाहर जाते रोड मेन रोड पर जाते हैं तो वहाँ से आपको हर जगह के लिए आपको ऑटो मिल जाएगा 24/7। तो ऐसा कुछ नज़ारा है। बाकी आपको मैं आज मैं टूर देने वाला हूँ इस होटल का, जहाँ पर आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है और आपके हित में है या नहीं, आपके बजट पे है या नहीं, सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए आज की इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। हर हर महादेव। तो अभी हम आ चुके हैं इस होटल के रिसेप्शन एरिया में आ चुके हैं और यहाँ का एम्बियंस भाई काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग है यहाँ का। देखो अगर ऊपर एक बार दिखाई दे रहा है कितना प्यारा प्यारा झूमर लगा हुआ है और इधर भी लगा हुआ है, इधर भी दिखाई दे रहा है एक बार। तो काफ़ी बढ़िया सा यहाँ पे और एम्बियंस यहाँ जो है काफ़ी हैपनिंग है। और जब आप रिसेप्शन में आएंगे सबसे पहले मैम आपको मिलेंगी। मैम बहुत स्वागत है आपका। हेलो सर, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम विद्या शर्मा है, मैं एज ए यहाँ पे फ्रंट ऑफिस रिसेप्शन में। कोई भी गेस्ट अगर आते तो आपसे पहले मुलाकात होगा उनकी? जी, आप फ्रंट पे ही आएंगे तो फ्रंट पे सबसे पहले मैं ही मिलूंगी आपको, देन आगे। मैम यहाँ पे क्या क्या सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है? यहाँ पे आपको हमारे यहाँ रूम्स हैं, बैंक्वेट हॉल है मैरिज वगैरह के लिए, एंड रेस्टोरेंट है हमारा, ये सब सारी चीज़ें। तो आज ही फटाफट चलते हैं हम रूम के अंदर चलते हैं और आपको पहले रूम का टूर करवाते हैं जिसमें आपको दिखाएंगे डबल बेड, ट्रिपल बेड और फोर बेड का रूम दिखाएंगे और उसके बाद आपको ले चलेंगे यहाँ पे जितने फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है वो सभी आपको दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रिसेप्शन एरिया में आपको लिफ्ट मिल जाएगा जो कि काफ़ी वर्किंग है और देख सकते हैं आप, और यहाँ से आप जा सकते हैं। और सेकंड आप हमारे पीछे देखेंगे तो यहाँ से सीढ़ी स्टेयर है तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। तो भैया हम फाइनली इस होटल के पहले फ्लोर पर आ चुके हैं जहाँ पर आपको लिफ्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं लिफ्ट से थोड़ा बाहर आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक तरफ से काफ़ी सारे रूम्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वहीं आप बात करें यहाँ पर, यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस के साथ यहाँ पर आपको सीटिंग अरेंजमेंट मिला हुआ है, तो यहाँ पर आप आराम से वेट कर सकते हैं। वहीं आप थोड़ा सा इधर आगे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको कई सारे रूम्स देखने को मिल जाएगा। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर इसी प्रकार से पूरे फ्लोर बना हुआ है, मतलब तीन फ्लोर की बिल्डिंग है, ये तीनों फ्लोर आपको इसी प्रकार देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के पहले सेगमेंट में आपको दिखाऊंगा डबल बेड का कमरा जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 214 यहाँ कमरा नंबर है। तो फटाफट आज इस रूम के अंदर और दिखाना स्टार्ट करता हूँ मैं। आप जैसे ही रूम के अंदर आएंगे सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पर एक डबल बेड दिखेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा क्लीनिंग के साथ है। और वहीं बात करें हम इसकी मैट की, मैट लगभग हमें लग रहा है 10 से 12 इंच का मैट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा अल्टीमेट है यहाँ पर मैट देख सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो बेडशीट की क्वालिटी का दिखाइए पास आकर के, बेडशीट देख सकते हैं कितना क्लीन है। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जितने भी चेकआउट होते हैं उसके जस्ट बाद पूरे रूम की क्लीनिंग कर दिया जाता है अच्छे तरीके से और वेल मेंटेन आपको दिखेगा सब कुछ। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको टेबल मिल जाएगा, साथ साथ यहाँ पर अच्छा खासा ये है यहाँ पर रूम सर्विस की भी सुविधा यहाँ अवेलेबल है। तो आप कॉल लगाइए, जो भी सामान आपको मंगवाना हो आप आराम से रूम में मंगा सकते हैं। और साथ साथ ये जो है एसी वाला कमरा है, यहाँ एसी लगा हुआ है और प्यारा प्यारा सा पेंटिंग भी इस कमरे में लगा हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे जो टॉवल है, दो टॉवल देखने को मिलेगा तो ये आप आराम से यूज कर सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पे आपको 32 इंच का एक एंड्रॉयड टीवी भी देखने को मिल जाएगा। और बाकी वही सब है, यहाँ देखिए यहाँ पे टी कैटल है, दो ठो कॉम्प्लीमेंट्री पानी का बॉटल मिल जाएगा आपको जो कि सील्ड पानी है, आपको ऐसा नहीं कि आर ओ से भर के दिया जाएगा, ये सील्ड पानी बॉटल है तो ऐसा आपको मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आप देखो एक बार यहाँ पे वार्डरोब है, अलमीरा है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा स्पेस के साथ है। तो अपना जो भी सामान हो वो आप इसमें रखिए और इसको लॉक करके आप आराम से घूमने के लिए बाहर जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ एम्बियंस है, काफ़ी अच्छा खासा एम्बियंस ऑरा है यहाँ का। और अभी मैं इस वीडियो में दिखा देता हूँ आपको इस यहाँ का वॉशरूम एरिया दिखा देता हूँ मैं आपको पहले। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न तरीके से यहाँ पर डिकोर किया गया है और अच्छा खासा यहाँ पर देखिए वॉश बेसिन है और
प्यारा सा मिरर भी लगा हुआ है। इधर देखें तो यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट मिल जाएगा, साथ साथ यहाँ पे बड़ा सा एक गीजर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सब कुछ फैसिलिटी के साथ ये वाला कमरा आपको मिलेगा डबल बेड का। बाकी प्राइस की बात करूँ तो मैं आपको वीडियो को लास्ट में प्राइस बताऊँगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों अक्सर आप लोग हमारे वीडियो पर कमेंट करते हो कि भैया आप जो होटल दिखाते हो उसका आप रूम रेट नहीं दिखाते हो, तो मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में क्यों भाई बनारस के जितने भी होटल हैं ना, यहाँ का रेट जो है वो डिपेंड करता है यहाँ के सीजन पे। जैसा सीजन रहेगा वैसा आपका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, सीजन डाउन रहता है तो प्राइस आपका और जो मेन प्राइस उससे भी थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसा कुछ यहाँ का मार्केट का रेशियो है। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ इस होटल के थ्री बेड का जो कमरा है वो दिखाता हूँ आपको कैसा दिखता है यहाँ का। तो आप जैसे ही आप आएंगे रूम में तो आपको यहाँ पे एक डबल बेड का एक सिंगल बेड का यहाँ पे बेड मिल जाएगा। डबल बेड की बात हो तो मैं वही फिर बताऊँगा आपको। यहाँ का भी देखिए मैट कितना बढ़िया ज़्यादा स्पंजी है और काफ़ी अच्छा खासा है, मतलब आप स्लिप सोएंगे तो काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे ऐसा तो है इसमें। बाकी यहाँ का हेडसेट भी काफ़ी प्यारा देखने में लग रहा है। और बाकी हर रूम की तरह यहाँ पर भी आपको एक टेलीफोन मिल जाएगा, जहाँ से आप कुछ मंगवाना हो तो आप मंगवा सकते हैं। और यहाँ पर भी आप सिंगल बेड देख लीजिए, सिंगल बेड की भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट देखने को मिल रहा है। वहीं बात करते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीन तो यहाँ बॉटल रखा हुआ है पानी बॉटल, और साथ में आपको यहाँ पे कैटल मिल जाएगा। और वहीं आप देखिए यहाँ पे दो गिलास वगैरह है, चेयर वगैरह से देख सकते हैं काफ़ी सारा अल्टीमेट चेयर है। बाकी हम बात करें यहाँ दिखाई जा रहा है यहाँ पे 32 इंच का टीवी मिल जाएगा देखने में। और वहीं आप बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा तीन तो टॉवल मिल जाएगा। इस वाले रूम में भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर आलमीरा देखने को मिल जाएगा, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर। वाओ ये देखिए यहाँ पे एक लॉकर भी मिल जाएगा आपको, अगर आप कोई सामान वामान है तो आप इस लॉकर में आराम से रख करके लॉक करके आप जा सकते हैं घूमने के लिए। बाकी अच्छी बात यह है कि ऊपर सीलिंग दिखाई एक बार, एक बार फॉल सीलिंग दिखाई वो भी काफ़ी अल्टीमेट है। वहीं बात करें तो यहाँ पर इस तरफ आपको दिख जाएगा ए सी लगा हुआ है जो कि अच्छा खासा वेल चलता भी है। इधर प्यारा सा पेंटिंग वेंटिंग मिल जाएगा, बाकी सीलिंग फैन तो रहता ही है। तो आज ये फटाफट आपको दिखाता हूँ मैं इस कमरे का जो वॉशरूम एरिया वो कैसा दिखता है, देन वही मैं बताऊंगा फिर से आपको। यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे एक वॉश बेसिन मिल जाएगा, वॉश बेसिन यहाँ पर है और साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर सोप साबुन जो भी है वो आपको मिल जाएगा। देन यहाँ पर आपको वेस्टर्न टॉयलेट और वहाँ के ऊपर गीजर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है इस रूम का। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के अगले सेगमेंट यानी कि फोर बेड का जो कमरा है वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो आप जैसे ही कमरे में आएंगे तो आपको सबसे पहले आपको दो बेड देखने को मिलेगा, डबल डबल बेड का दो बेड है यहाँ पे देखिए। और साथ साथ बीच में आपको यहाँ पे दिख जाएगा अच्छा खासा यहाँ पर एक टेबल देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपना मोबाइल रख सकते हैं, कुछ भी सामान रख सकते हैं। देन वहीं यहाँ पर भी आपको एक टेलीफोन मिल जाएगा, जहाँ से कुछ सामान मंगवाना हो मंगवा सकते हैं। वहीं पर आपको यहाँ पर इनका जो मेन्यू कार्ड है रेस्टोरेंट का वो भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको वेज मिल जाएगा जैसे आप देखिए। प्राइस भी सबका जो है बहुत मिनिमल रखा गया है। वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर भी एक स्पेस है जहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं। और देन यहाँ पर फोर बेड का कमरा है तो जिसमें से आपको यहाँ पर चार पानी के बॉटल मिलता है, चार गिलास मिलता है, एक कैटल मिलता है और साथ साथ यहाँ पर आपको मिल जाएगा अच्छा खासा स्पेस के साथ यहाँ पर आपको अलमीरा भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर भी आपको सैमसंग का 32 इंच का एंड्रॉयड टीवी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ऊपर का भी काफ़ी बढ़िया सा एम्बियंस है और है। मैं एक बताना भूल गया कि यहाँ का इस होटल का भाई साहब इतना साफ सफाई रखा गया ध्यान, जैसे कि आप देख भी सकते हैं नीचे ऊपर हर जगह देखिए। और यहाँ पे आपको एक विंडो मिल जाता है जो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है, जहाँ से आप बाहर का नज़ारा भी यहाँ से देख सकते हैं बाकायदा। जस्ट इसके ऊपर आपको एसी मिल जाएगा जो कि अच्छा खासा वेल कूल्ड कूल करता है। और मिरर की बात करूँ तो यहाँ पर भी इस रूम में आपको यहाँ पर एक प्यारा सा यहाँ पर मिरर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो अच्छा खासा मिरर है। तो अभी आइए आपको देख चलता हूँ इस रूम का जो वॉशरूम एरिया है वो कैसा दिखता है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये है, अरे वाओ, तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा स्पेस है इस वॉशरूम में। वहीं बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा वेस्टर्न टॉयलेट, यहाँ पर आपको मिल जाएगा अच्छा खासा वॉश बेसिन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको बड़ा सा गीजर है भाई साहब, बहुत बड़ा गीजर है ये। तो ऐसा कुछ है बाकी देख सकते हो। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ इस होटल के जो छत का एरिया है वहाँ से दिखाता हूँ कैसा यहाँ से नज़ारा दिखता है। तो आज ही फटाफट चलते हैं अब सीधे छत पर। तो दोस्तों आपको रूम टूर देने के बाद इस होटल का, अभी मैं आ गया हूँ इस होटल के जो सबसे टॉप फ्लोर पे है, रेस्टोरेंट एरिया है वहाँ पे मैं आ गया हूँ। और यहाँ पे जब आप आएंगे तो भैया मिलेंगे आपसे। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरविंद हुआ है सर, अरविंद। मैं बिहार से रहने वाला हूँ, गया जिला के। क्या करते हैं सर यहाँ? सर हेड शेफ। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आप सीटिंग अरेंजमेंट जो है काफ़ी वेल मेंटेन है और प्रॉपर ए सी वे सी सब लगा हुआ है, हर तार तक ए सी लगा हुआ है।
और यहाँ से बाकी नज़ारा भी बाहर का काफ़ी अल्टीमेट यहाँ से आता है ना जी सर, जी सर। और किसी को मान लो पार्टी करवाना हो, आउटसाइडर है, तो उनके लिए वो फैसिलिटी अवेलेबल है? जी सर, अवेलेबल सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। आप बर्थडे पार्टी, क्यूटी पार्टी सब होता है सर। अच्छा, बाकी यहाँ का स्पेशली मतलब क्या है आपका यहाँ का खाना पीना सबसे? सर पनीर रारा है। अच्छा, पनीर लोबदार है, हंडी पनीर है, कढ़ाई पनीर है, शाही पनीर है, सब लजीदार मिलता है। बढ़िया लजीदार। बाकी किचन किचन यहीं पे यही बनता है, यहीं पे सब है ना। तो बाकी सब आपको जो खाना यहाँ पे सब फ्रेश मिलने वाला है ना सब कुछ। बाकी ये देख लो आप, काफ़ी बढ़िया सा नज़ारा पीछे भी दिखा सकते हैं आप, यहाँ पर रिसेप्शन है। बाकी ऐसा ही कुछ यहाँ का रेस्टोरेंट्स है। दोस्तों इस वीडियो के अगले सेगमेंट यानी कि हम आगे हैं बैंक्वेट हॉल में, और यहाँ पर आप देख पा रहे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस ये बैंक्वेट हॉल है यहाँ पर। तो अगर आप भी चाहो अपना शादी, मेहंदी, हल्दी या फिर किटी पार्टी, ऑफिस पार्टी, ये पार्टी अगर आपको ऑर्गेनाइज करवाना हो, तो आप डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे संपर्क करके सारी इंक्वायरी आप ले सकते हो और अपनी बुकिंग कन्फर्म करवा सकते हो। बाकी अभी फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक छोटी सी पार्टी चल रही है यहाँ पर शादी की। तो बाकी आप डेकोरेशन भी देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया तरीके से इसको वेल डेकोर किया गया है। बाकी अगर मैं इस होटल के लैंडमार्क की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है मड़ुआ डी का बजाज का शोरूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी ये है मेन रोड, आप यहाँ आगे जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे मरवाड़ी रेलवे स्टेशन, जिसे हम बनारस रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं। बाकी ये है उदय बजाज, पल्सर वाला जो बजाज का शोरूम है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा मरवाड़ी का। बाकी आपको सामने डोमिनोज दिख जाएगा, तो यही देखिए आप डोमिनोज के जब सामने गली आती है वाले, तो इसी गली में आप आगे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये होटल वृंदावन पैलेस। भैया यहाँ से पास में क्या क्या चीज़ है घूमने के लिए यहाँ पे? घूमने के लिए सर यहाँ से तो गदौलिया 80 घाट पे मतलब विश्वनाथ जी सब पास पड़ जाते हैं जी से, सर, सब पास पड़ता है यहाँ से जी। बात करें 80 घाट का तो यहाँ से पास ही होगा वो भी? हाँ, 3 किलोमीटर है सर। 3 किलोमीटर, अच्छा बताइए 80 घाट यहाँ से 3 किलोमीटर है। किलोमीटर। और बात करें यहाँ से, मैं बताया था आपको रेलवे स्टेशन जो है रेलवे बनारस का, थोड़ा आगे आइए यहाँ से पास ही पड़ता है यहाँ से, इस साइड है यहाँ से 200 मीटर पड़ेगा यहाँ से 200 मीटर बनारस स्टेशन, बनारस स्टेशन जो मड़ुआडी, जो मड़ुआडी पहले था वो बनारस हो गया, वो यहाँ से मैक्स 200 मीटर है सामने ही आपको दिख पड़ा होगा इधर ही। तो बाहर दिखाइए थोड़ा सा नज़ारा यहाँ से, थोड़ा सा बनारस शहर का यहाँ से तो अच्छा खासा नज़ारा यहाँ छत से आ रहा है। बाकी इधर से आप यहाँ से बाहर सामने आपको वहाँ रोड दिख पा रहा होगा, वहीं से आपको 24/7 वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा, जहाँ से आप बाबा विश्वनाथ दर्शन करना हो या फिर जाना हो आपको 80 घाट या फिर जाना हो आपको BHU जाना हो, सभी ये मेन रोड में पड़ता है। तो आप यहाँ से आप ऑटो लीजिए, आप यहाँ से ले जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया डबल बेड का कमरा यहाँ का, 3 बेड 4 बेड का कमरा दिखाया मैंने। बाकी उसी प्रकार से सभी रूम्स यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी जो आप इधर का लेंगे रोड साइड का लेंगे तो वहाँ से आपको नज़ारा दिख जाएगा बाहर का, और जो पीछे का उस मतलब जितने भी यहाँ पर रूम्स अवेलेबल है सभी प्रीमियम क्वालिटी का रूम यहाँ पर अवेलेबल है। और बात करें यहाँ से लोकेशन की, सभी यहाँ से पास पड़ जाता है। अगर आपको ये होटल बुक करना हो तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर कॉल करके बुक कर सकते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप बुकिंग करवा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नज़ारा था यहाँ का। बाकी आप यहाँ पर सेवा का मौका जरूर दीजिए इनको, बहुत बढ़िया लगेगा आपको। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।